आपने देखा आनंद में क्या हुआ, मंदिर मस्जिद खूब हो रहा है, हलाल हिजाब यहीं पर हो रहा है। आजादी 70 पर 5 साल आजादी के लिए तमाचा जैसे हो गया कि फ्रीडम फाइटर्स की बेइज्जती हो गई। जो लोग माफी चाहते थे ऐसे लोगों को फ्रीडम फाइटर की लिस्ट में शामिल करके पूरे हिंदुस्तानियों के साथ जो है एक नाइंसाफी हुई। चोर चोरी करने के बाद ये नहीं उगल देता कि मैंने चोरी की। 15 अगस्त के दिन जिन 11 मुलजिमों को गुजरात में छोड़ दिया गया बिल्किस बानो के केस में, वो इतना शर्मनाक और इतना दर्दनाक है कि हम लोग इस पे कुछ बोलने के जैसे काबिल नहीं है। गांधी जी का कत्ल में जो राष्ट्रपिता है, जो इस देश को आजाद बनाया, राष्ट्रपिता का जो कत्ल में ये भी एक आरोपी थे। मुल्क में जो सियासत है वो बहुत गलत तरीके से, जिसे कहते हैं, मिसयूज हो रही है। बल्कि आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि कर्नाटका मॉडल गुजरात मॉडल से भी बदतर होगा। आज यहाँ पर SGPI की बहुत बड़ी लेवल की एक पीपल्स पावर कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई, और इस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो पीपल्स पावर यानी कि नाम हमने जो रखा है, लोगों को किस तरीके से हम इख्तदार में ला सकते हैं या इख्तदार को कैसे हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ये एन मकसद था आज की इस पीपल्स पावर का। और दूसरी बात, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हर एक एक दिन मुल्क में जो सियासत है वो बहुत गलत तरीके से, जिसे कहते हैं, मिसयूज हो रही है, या जो इसमें बैठे हुए हैं पावर में, जो लोग बैठे हुए हैं वो किस तरह से अपने इख्तदार का मिसयूज कर रहे हैं। सबसे बड़ा सबूत 15 अगस्त के दिन जिन 11 मुलजिमों को गुजरात में छोड़ दिया गया बिल्किस बानो के केस में, वो इतना शर्मनाक और इतना दर्दनाक है कि हम लोग इस पे कुछ बोलने के जैसे काबिल नहीं है, हम सब स्पीचलेस हो गए। तो ये एक मैसेज जो इस बार गुजरात के गवर्नमेंट से हमको मिला है, ये मैसेज सिर्फ गुजरात मॉडल का नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि कर्नाटका मॉडल गुजरात मॉडल से भी बदतर होगा। इसके लिए हम चाहते हैं कि लोग जो है वो अवेयर हो, लोग जो है वो अपनी वोटिंग स्ट्रेटेजी तय करें। अब ये लोगों को तय करना है कि वो किस डायरेक्शन में मुल्क और अपने स्टेट को ले जाना चाहते हैं, वो मुआशरे में क्या चाहते हैं, उनको अपने हुकूक चाहिए या वो नाइंसाफी के साथ इसी तरह भूखे मरते रहेंगे। तो ये कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज और अवेयरनेस को लेकर यहाँ पर हमारे लीडर्स ने, स्पीकर्स ने बात करी, और ये कम्प्लीटली SGPI पार्टी जो है इस वक्त, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि ये कम्प्लीटली एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन ये लोगों की पार्टी है जो लोगों को पावर में लेके आना चाहती है और लोगों को लेके अपने साथ चलना चाहती है। क्योंकि मैं देखिए, जब से ये बम्बई आया है, स्पेशली मैं बोलना चाहूंगी, हम देख सकते हैं कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ करप्शन ना हो रहा हो, और कोई एक ऐसा दिन नहीं जाता जब लिंचिंग ना हो रही हो, रेप, मर्डर, वायलेंस, कम्युनल वायलेंस। आप देख सकते हैं अभी शिमोगा में क्या हुआ, किस तरीके से कर्फ्यू लग जाता है, आपने देखा आनंद में क्या हुआ, मंदिर मस्जिद खूब हो रहा है, हलाल हिजाब यहीं पर हो रहा है। तो आज ये टीपू सुल्तान की सरजमीन इस बात को देख रही है, और शर्मिंदा है ये जमीन भी कि किस तरीके से ये वो कर्नाटका है जिसका नाम हिस्ट्री में हम बड़े फख्र से लिया करते थे, और आज कर्नाटका का नाम लेने में हम शर्म महसूस करते हैं। इसके बारे में कहीं ना कहीं SDPI का भी नाम आगे आता है कि SDPI भी दंगे फसाद में आगे रहती है। देखिए एक बात बताइए, चोर चोरी करने के बाद ये नहीं उगल देता कि मैंने चोरी की, ठीक है? तो यहाँ पे खेल जो है वो लुका छुपी का चल रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि ब्लेम गेम करो, किसी तरीके से हम अगर बच सकते हैं तो अपने आप को बचा लो बाय हुक और बाय क्रू, यानी कि अगर उन्हें लगता है कि हम SGPI का नाम लेके लोगों को असल मुद्दे से भटका देंगे या हम लोगों का जहन जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, ये एक स्ट्रेटेजी है, वो अपनी स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, हमें इससे शिकायत नहीं है। हमें तो मकसद इस बात से कि हम अपने जिस आइडियोलॉजी से खड़े हुए हैं, हम मजबूती से अपनी आइडियोलॉजी के साथ खड़े रहेंगे, देखना है कि वक्त और लोग किसका साथ देते हैं। क्योंकि SGPI जो है वो लोगों की बात करती है, और जो फिल वक्त पार्टी है इख्तदार में वो लोगों को छोड़ के बाकी सारी बात करती है, वो बात जो है दंगों की करती है, मस्जिद और मंदिर की करती है, अजान और हलाल की करती है, हिजाब की करती है,
तो जाहिर सी बात है कि हक और बातिल की जंग जो है वो हमेशा से रही है, आज से नहीं, जब से दुनिया है हक और बातिल की जंग है। अब इसमें देखना यह है कि हक को जीतने में कितना टाइम लगता है, बातिल कितना भी मजबूत हो एक दिन झुकता है टूटता। देखिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में लास्ट 2 महीने से अवामी इक्तदार कॉन्फ्रेंस चला लेकर है। इसका मकसद वेरी क्लियर है, आज़ादी के 75 साल बाद भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज से हम लोग को रूल किया है। कांग्रेस 54 ईयर्स किया है, जनता दल जनता परिवार का 8 साल किया है, बीजेपी 12 साल से किए हैं। तो इस 75 साल के बाद क्या अभी भी आवाम को जो बेसिक नीड्स है यानी फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, रोड्स, घर, ये कुछ भी नहीं दे सके? क्योंकि आज के ज़माने में आवाम की इश्यू एजेंडा नहीं है, चाहे वो असेंबली हो, पार्लियामेंट में हो, कोई भी हो, आवाम की रियल इश्यूज चर्चा नहीं हो लेकर है। तो इसलिए क्योंकि डेमोक्रेसी में आवाम ही इम्पोर्टेंट है, पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं आवाम, सरकार बनाता है आवाम, ऑफिस टैक्स देता है आवाम, मगर आवाम को नेगलेक्ट किया जाता है। तो इसलिए आवाम जागरूकता होना चाहिए, आवाम इख्तदार में आना चाहिए, आवाम को आवाम क्वेश्चन करना चाहिए, आवाम पूछना चाहिए। तो इसलिए आवाम को जागृत करने के लिए हम लोग ये इख्तदार कॉन्फ्रेंस मनाए हैं। अवामी इख्तदार कॉन्फ्रेंस के जरिए ये पैगाम देना चाहते हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, आने वाले हर इलेक्शन में हम लोग कंटेस्ट करेंगे, क्योंकि 75 साल में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी जो कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक लोगों को जो जस्टिस देना था वो दिए नहीं है। तो इसलिए क्योंकि एक साइड में बीजेपी जुल्म और नाइंसाफी कर ले करे, सेकुलर पार्टी इनको रोकने का कुछ भी मनसूबा नहीं है। जो भी नाइंसाफी होता है इसका खिलाफ जो सेकुलर पार्टी लड़ना था, सेकुलर पार्टी खामोश है। तो इसलिए SDPI द ओनली अल्टरनेटिव है ये जो फैसिस्ट ताकतों को फेस कर सकते हैं। तो आने वाले चाहे वो BBMP हो, असेंबली हो, हम कंटेस्ट करने वाले हैं। सावरकर जो है जेल में थे क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ थे। देखिए जो आप 75 ईयर्स में जितने भी हम टेक्स्ट बुक पढ़े हैं, आप पढ़े हैं स्टूडेंट, कहीं भी कोई भी टेक्स्ट बुक में सावरकर फ्रीडम फाइटर बोलकर नहीं है। जब बीजेपी 8 साल से हुकूमत आने के बाद इनको फ्रीडम फाइटर होकर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पहले इन लोग का ऑफिस में ये लोग रखते थे, इनका जो RSS का ऑफिस में, बीजेपी का ऑफिस में, अब ये लोग इख्तदार आने के बाद इनको एक प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने। हम कहना चाहते हैं आपका ऑफिस में, बीजेपी का ऑफिस में रख लीजिए, मगर सावरकर फ्रीडम फाइटर हो नहीं सकता, क्योंकि सावरकर माफीनामा लिख के ब्रिटिश को ब्रिटिश के पास जो पेंशन लेते थे, और सुभाष चंद्र बोस का जो आर्मी था फ्रीडम फाइट का, उसको लोग जुड़ना नहीं बोलकर ब्रिटिश को, जब तक ब्रिटिश थे ब्रिटिश को सपोर्ट किया हुआ लोग ये सावरकर है। दूसरा गांधी जी का कत्ल में, जो राष्ट्रपिता है जो इस देश को आज़ाद मिला, राष्ट्रपिता का जो कत्ल में ये भी एक आरोपी थे, बाद में उसको ये नहीं हुआ वो अलग बात है। तो ये किसी हालत से भी सावरकर जो है फ्रीडम फाइटर नहीं हो सकते। ये लोग इनका ऑफिस में, इनका जो दफ्तर में रख लेने दो, आवाम के ऊपर ये इनको जो फोर्स करना, ये डालना, ये गलत है। बेंगलुरु में ये जो अजीमुशान अवामी इख्तदार कॉन्फ्रेंस मुनक़िद है लिंगराजपुरम में प्रेजर टाउन के पास, ये एक मिसाली कॉन्फ्रेंस है जिसमें हज़ारों के लेडीज़, यूथ्स और उलमा इकराम के अलावा नौजवान जमा है, और यहाँ पर हमारे नेशनल प्रेसिडेंट MK फैजी साहब और स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद साहब के अलावा वाइस प्रेसिडेंट MK BM कामले साहब और हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी भास्कर प्रसाद साहब, पुट्टनजय साहब, ये तमाम तशरीफ़ लाए हैं। असल मकसद क्या है? अवाम के अंदर एक सियासी बेदारी पैदा करना है। सिर्फ इंतखाबात में इलेक्शन देना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मुल्क के हालात में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, अखिलियतों के मसाइल को हल करने के लिए हमें मुज्तमा होना है। ये सिर्फ मुसलमान नहीं, दलित, मुस्लिम, अवाम तमाम मिलके सियासी तौर पर बेदार हो के ही हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। इसलिए ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है। मंगलूर के बाद, दावणगेरे के बाद, गुलबर्गा के बाद, मैसूर के बाद, बेंगलोर में आज ये मुनक़िद है, ये सिलसिला जारी रहेगा। क्या ये इलेक्शन की तैयारी है?
इलेक्शन की तैयारियां तकरीबन 10 साल से हमारी चल रही हैं। पार्टी ही बनाए हैं इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए, ज़रूर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। गुज़िश्ता MLA इंतखाबात के मौके पर हमने हिस्सा इसलिए नहीं लिया कि बार बार ये कहा जाता था कि सेक्युलर वोट बढ़ जाएंगे, लेकिन जब हमें मालूम हुआ कि सेक्युलर इकट्ठा होकर भी अगर वोट देंगे तो फिर BJP की दुकान में सेल के लिए हमारे सेक्युलर MLAs वेटिंग में हैं, तो इसलिए हम अपना दुकान, अपनी पार्टी, अपना मकाम, अपने इश्यूज़ को हल करने के लिए हम अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्या 224 इलेक्शन हलकों में आप उम्मीदवार खड़ा करने के? नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम कोशिश कर रहे हैं, मैक्सिमम BBMP के हलकों में और असम्बलियों में मैक्सिमम कोशिश करें। आज के इजलास में सावरकर काफ़ी अहम मुद्दा रहा। नहीं, सावरकर तकरीबन ये आज़ादी का ही एक मुद्दा बन गया। आज़ादी 70 पर 5 साल आज़ादी के लिए एक तमाचा जैसा हो गया कि फ्रीडम फाइटर्स की बेइज्जती हो गई। जो लोग माफ़ी चाहते थे ऐसे लोगों को फ्रीडम फाइटर की लिस्ट में शामिल करके पूरे हिंदुस्तानियों के साथ जो है एक नाइंसाफी हुई।